नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार घर में कैसी होनी चाहिए सीढ़ियाँ। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट्स मिलते रहें। हर व्यक्ति चाहता है कि वह दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करे, वह अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़े। इसके लिए मेहनत करना तो आवश्यक होता ही है, साथ ही यदि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। वास्तु में खुशहाली, तरक्की और उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो स्वयं के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी सफलता व तरक्की प्राप्त होती है। हमारे घर की सीढ़ियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान होती हैं। सीढ़ियाँ हमें ऊपर की ओर लेकर जाती हैं, इसलिए माना जाता है कि सीढ़ियों में दोष का प्रभाव हमारी उन्नति पर भी पड़ता है। वास्तु में सीढ़ियों को लेकर भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि आपके घर में सीढ़ियाँ सही प्रकार से बनी हुई हैं तो ये आपको उन्नति के शिखर तक ले जा सकती हैं। यदि घर में सीढ़ियाँ सही प्रकार से न बनी हों तो कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, आर्थिक समस्याएं भी आने लगती हैं। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए सीढ़ियाँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सीढ़ियाँ बनवाने के लिए नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तम रहती है, या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में सीढ़ियाँ बनवानी चाहिए। इससे घर में के सदस्यों को प्रगति प्राप्त होती है। सीढ़ियाँ प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए सीढ़ियों को हमेशा क्लॉकवाइज घुमाव में बनवाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसी सीढ़ियाँ उन्नति की ओर ले जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ियों की संख्या कभी सम में नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या जैसे कि 7, 11, 21 आदि होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है। यदि आपके मकान में ऊपरी मंजिल पर कोई किराएदार है और आप नीचे रहते हैं तो अपने मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां न बनवाएं। कहा जाता है कि इससे ऊपरी मंजिल पर रहने वालों की तरक्की होती है, किंतु आपकी तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। घर में बनी हुई सीढ़ियों के नीचे यदि खाली स्थान है तो उसके नीचे कभी भी बाथरूम, टॉयलेट या रसोई नहीं बनवानी चाहिए। इसके अलावा एक्वेरियम भी सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों में यदि कोई वास्तु दोष है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता है तो सीढ़ियों के नीचे पिरामिड रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष की समस्या दूर होती है। ये थी जानकारी कि कैसी होनी चाहिए सीढ़ियाँ वास्तु के अनुसार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।